नमस्कार, मैं हूं देवांशली मोइत्रा। सचिन तेंदुलकर को अगर क्रिकेट का भगवान कहा जाता है तो महेंद्र सिंह धोनी को भी उनके फैंस क्रिकेट का बाहुबली मानते हैं। करीब 15 साल के करियर में धोनी ने क्रिकेट के लिए जितना कुछ किया है वो उन्हें भारत के महान खिलाड़ियों में शुमार करता है। अपनी काबिलियत के दम पर ही धोनी लगातार चौथे वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। लेकिन 37 साल के धोनी के बल्ले की रफ्तार 22 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ थोड़ी धीमी क्या पड़ी, वो आलोचकों के निशाने पर आ गए। धोनी की इस पारी की आलोचना करने वालों में क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं, जिन्होंने धोनी की पारी पर सवाल उठा दिया था। लेकिन सचिन को धोनी की बल्लेबाजी पर सवाल उठाना अब भारी पड़ने लगा है, क्योंकि धोनी के हार्डकोर फैंस सोशल मीडिया पर सचिन को ट्रोल करने लगे हैं। प्रिया रावत नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा है, सचिन तेंदुलकर मुझे लगता है आप अपनी 100वीं सेंचुरी भूल गए। आपने बहुत बुरा खेला था जिससे बांग्लादेश वो मैच आसानी से जीत जाए। तथा कथित भगवान इसी इरादे की बात कर रहे हैं। इनके शतक के अलावा ये भी देखिए उन्होंने कितने मैच बचाए और जीते। 16 मार्च 2012 को खेले गए इस मैच में सचिन ने 147 गेंदों पर 114 रनों की पारी खेली थी। ये उनकी 100वीं सेंचुरी थी। लेकिन 289 रन बनाने के बावजूद एशिया कप के इस मैच में बांग्लादेश ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया था। इसी मैच का स्कोर कार्ड पोस्ट करते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, लुक हूज टॉकिंग अबाउट स्ट्राइक रेट। एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट का स्नैपशॉट पोस्ट किया है जिस पर लिखा है, जब धोनी ने वर्ल्ड कप जीता तो खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप उठाने की बजाय सचिन को उठाया, जबकि उन्होंने उस मैच में रन भी नहीं बनाए। सचिन के एक फैन ने ट्वीट किया, जो भी कम स्ट्राइक रेट पर शतक जड़ने के लिए सचिन की आलोचना कर रहे हैं कृपया अपने पिता से पूछे उन्होंने कैसा खेला है। धोनी के एक फैन ने ट्वीट किया, सचिन जब भी सेंचुरी मारते हैं इंडिया हार जाता है। महेंद्र सिंह धोनी रियल हीरो ऑफ इंडिया। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है, मैं उनकी पारी के लिए सेल्फिश शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो लोगों के लिए क्रिकेट का भगवान होना जानते हैं। धोनी सेल्फिश है क्योंकि उसने ICC की तीनों ट्रॉफी जीती और टीम के बैलेंस के लिए 1 से 8वें नंबर तक बल्लेबाजी की। लचीलापन पाप है, विकेट कीपिंग बकवास है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, कुछ लोगों के लिए सचिन भगवान थे, कुछ लोगों के लिए धोनी भगवान है। दोनों लेजेंड हैं और हम लकी हैं हमने दोनों की इनिंग्स को एंजॉय किया। अब लड़ना बंद करें। सचिन ने जब से धोनी की आलोचना की है सोशल मीडिया पर सचिन और धोनी के फैंस की ओर से ऐसे ही ट्वीट आ रहे हैं। वैसे बता दें 22 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में धोनी ने 52 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली थी, जबकि KL राहुल ने भी 53 गेंदों पर 30 रन और केदार जाधव ने 68 गेंदों पर 52 रन बनाए थे, जिसकी वजह से भारत 50 ओवर में सिर्फ 224 रन ही बना सका। धोनी और जाधव की इस पारी पर सचिन तेंदुलकर ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा था, मुझे थोड़ी निराशा हुई, ये बेहतर हो सकता था। मुझे केदार और धोनी की साझेदारी से भी निराशा हुई जो काफी धीमी थी। हमने स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ 34 ओवर बल्लेबाजी की और 119 रन बनाए। ये एक ऐसा पहलू है जहां हम बिल्कुल भी सहज नहीं दिखे, सकारात्मक रवैये की कमी दिखी। धोनी और जाधव ने 5वें विकेट के लिए 84 गेंद में सिर्फ 57 रन की साझेदारी की, जिसमें धोनी का योगदान 36 गेंद में 24 रन, जबकि जाधव ने इस दौरान 48 गेंद में 31 रन बनाए। मध्यक्रम के बल्लेबाजों को बेहतर रवैया दिखाना चाहिए था। महज 224 रन बनाने वाली टीम इंडिया ने जबरदस्त गेंदबाजी के दम पर ये मैच जीत लिया था। मोहम्मद शमी ने हैट्रिक के साथ ही 4 विकेट झटके थे, जबकि बुमराह, चहल, पांड्या ने भी 2-2 विकेट लिए थे। And what we are seeing today is just the culmination of what work we have done over the last 4 years. And if you notice, Rome was never built in a day. And this team, the brand of training and the culture, everything started around 2015. And today, what you see is the work of over the last 3 to 4 years. Hi. Can you talk about the preparation that our, especially our bowlers, undergo? I mean, you say it started in 2015. Can you tell us how did it start? And what were the things that you actually kept in mind? And what are the things that you do? See, when we first started, the team management, I'm always aligned with the team management and the leadership group. So they wanted a fast-bowling unit which was
good, and it can go on and on. And if you notice, in the last 1 year, the proof of the pudding is there in the results. And Bumrah, Shami, Ishant, Umesh, and so on, Bhuvi, you know, all of them have started bowling much more quicker. The reason for that is, again, I wouldn't say we did any magic work. We did consistent work with a few lifestyle modifications with regards to nutrition and the way we train. And we got this GPS last year. And we started using the GPS more succinctly because it gives you data which is of immense value. So based on that, we started understanding our training methodology a lot more. And based on that, we started preparing a schedule also accordingly. And all this has helped us in our fast bowlers, bowling more than 145 clicks, 140 clicks consistently, even in test matches, if you notice that. Even in the last test match, in the last spell, people bowled 140 plus. And this did not happen overnight. I mean, it was consistent training, more than any rocket research. And we made it a point in 2015 that we will train regularly. And just like how we have batting, bowling, and fielding, the new skill is fitness. And it is just not, fitness was just not a ticking box exercise. I mean, they started taking it very seriously. And the captain and the coach wanted to use fitness as a vehicle. And my job was to augment the process. And all I did was made it a point that this was another facet in the sport where they had to train like Olympic athletes, just not like any other person. Okay, I'll come for this camp, I'll train for 10 days, 15 days, then I'll take a break. So it has become a lifestyle. And I think once it's become a lifestyle, the results are there for you to see. Sir, taking a cue from your question, just said that taking it as a lifestyle. When you play in India, there's scorching heat, 35 degree and 40 degree. And when you come to England, suddenly the temperature comes down and all. So how do you, is there any specific change or modifications in the, when you play in the subcontinent or when you come to England? Definitely. I mean, heat plays a major role. I mean, you look at tennis. You have Australian Open, then you have French Open, then you have Wimbledon, then you have US Open. Different surfaces, different weather. And the tennis players do adjust. It has happened over a period of time, and they play in different surfaces and different weather conditions. Similarly, I think a professional cricketer today has to play in extreme heat and as well as conditions like in England and South Africa, where the temperature can be a lot lesser and cooler. And obviously, when you play in the subcontinent, the fatigue factor is a huge thing. So the recoveries are going to be longer. When you play in colder places like England, the fatigue factor may not be huge. But at the end of the day, there are other things which we need to combat here. Sometimes it can be extremely cold. So we need to combat. So longer warm-up routines and other specific things, which will, again, suit the need of the hour. Just wanted to ask you, you mentioned about consistent work and lifestyle modification. Now, for a layman, could you give an example or two to explain it to the reader? How? What kind of lifestyle modifications are we talking about? Again, simple thing, we try to educate them about the circadian rhythm. The human body has a particular sort of a sleep-wake cycle. And what happens is, during IPL, whether we like it or not, the boys take a beating. Whether we like it or not. Actually, I would always say that this World Cup preparation was very critical with an IPL sort of preceding it. So we used to talk jokingly that, the IPL is actually the Mount Everest, and then we come to base camp and then we need Kilimanjaro here. So what happens is, during IPL, invariably the boys start sleeping very late, 2 o'clock, 3 o'clock. To get them back to sleeping early and get back to training regime was a sort of a challenge. And we had only 8 days to come here. And since these boys have done it over the last 4 years, they quickly understand the value of sleep-wake cycle, a good nutrition program, supplements, training, strength work, conditioning, warm-ups. I mean, I can go on and on till the cows come back home. And to answer your question with regards to lifestyle, it is training, sleep-wake cycle, and nutrition. These are the three hallmarks of a professional athlete. And I think there is a huge buy-in for this with this Indian team, and things are there to see now. I mean, as soon as you get onto the field, everybody is down and running. I mean, it's not a school team where they all do a typical army drill type of things. They all do their own personal stuff. They all know their bodies very well, and it is very, very unique. I mean, I always use this line, we all look differently from the outside, but we all function very differently from the inside. So one man's food can be another man's poison. You cannot paint everything with the same brush.